में खिजरपुर में हम लोग किस अंदाज से काम करेंगे। हमारे पचहत्तर नंबर वार्ड के काउंसिलर मेरे छोटे भाई निजामुद्दीन शमशाद, 76 नंबर वार्ड के काउंसिलर वो भी मेरे छोटे भाई सुष्टि दास, हमारे 77 नंबर वार्ड के काउंसिलर मेरे भाभी शमीमा रेहान खान, हमारी छोटी बहन बिल्किस बेगम, है हमारे दोस्त लाला जी, है राजेश शेर मोहम्मद, अनिल भाई, आजाद भाई, मुन्ना भाई, मुन्ना वाजपेयी भी यहाँ पर हैं, हमारे टोपी हैं, अमर मल्लिक हैं, और हमारे बहुत ही अजीज, हम जिसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे छोटे भाई के मेरे बेटे की उम्र का है, मगर बहुत जोश इसके अंदर में है, जो खिजरपुर मूल में लगा के रखा है नीला कोवी होगी, बट आई नाम सुना हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा दिन है जो जब तक हिंदुस्तान रहेगा इस नाम को हमारे इतिहास में रहना बहुत जरूरी है, और वो है बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर। क्योंकि भीमराव साहब अम्बेडकर एक पिछड़े जाति के लोग थे, पैदा हुए थे, मगर उस जमाने में अपने हुनर से स्कॉलरशिप लेके मैजिस्ट्री पास करके आए थे लंदन से। उसके बाद उनके ऐसे हुनर का वो आज़ादी के उस समय जो आंदोलन चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट किए, और आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू साहब ने उनसे ये जिम्मेदारी दिया जो आप के चेयरमैन में आपके नेतृत्व में भारतवर्ष कैसे चलेगा, हिंदुस्तान कैसे चलेगा, क्या होगा, कानून क्या होगा, कैसे असेंबली होगा, कैसे पार्लियामेंट होगा, उसका काम क्या है, ये सब जिसे संविधान कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इसके लिए जिम्मेदारी बाबा साहेब अम्बेडकर को दी। इसके मतलब हम जो मजहबी आदमी हैं हमारे लिए हमारे कलाम पाक बहुत अहमियत रखता है, हमारे मजहबी भाई जो दूसरे धर्म के हैं उनके लिए उनके गीता एक अहमियत रखता है, बहुत सारे हमारे भाई हैं जिसके लिए बाइबल उतना अहमियत रखता है, वैसे ही हिंदुस्तानी हर हिंदुस्तानी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो अहमियत देता है, वो अहमियत जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी होने से हमारा क्या क्या काम है, हमारे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी होने से हमारे दायित्व क्या क्या है और हमारे अधिकार क्या क्या है, ये हमें हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है, और यही कॉन्स्टिट्यूशन आगे जाके हिंदुस्तान कैसे चलेगा उसे लिखा हुआ। उसमें सबसे आगे क्या था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया, इसका मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोल रहा है जो ये हमारे जो है ये डेमोक्रेसी है, जहां पर हम वोट दे के ठीक करते हैं कल बॉबीदा रहेगा ना दूसरा कोई रहेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री आज जो है ये रहेंगे कि दूसरा कोई रहेंगे, हमारे चीफ मिनिस्टर ये रहेंगे या दूसरा कोई रहेंगे, ये हमारे आवाम ठीक करता है। वैसा ही
ये ठीक करता है जो हमारे काम क्या क्या है। हम हिंदुस्तानी हैं, सिर्फ हम वोट देते हैं, ये काम नहीं है। पूरे लॉ कैसे बनेगा, पुलिस हमारे साथ कैसे सलूक करेगा, हमारे स्टेट क्या होगा, असेंबली क्या होगा, पार्लियामेंट क्या होगा, ये पूरा जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ठीक करता है। और उसमें और एक अहमियत है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है जैसा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वैसा सेकुलर हिंदुस्तान, सेकुलर राष्ट्र होगा हिंदुस्तान। को आज कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कोई दूसरा कुछ करेगा, नहीं। हिंदुस्तान जब तक रहेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन जब तक रहेगा, हमारे सेकुलर राष्ट्र रहेगा। ये हिंदुस्तान सेकुलर होगा, यहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, हम एक साथ रहेंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे, एक साथ वोट देंगे और अपना नुमाइंदा हम चुनेंगे। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये दिखाता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता है जो सिर्फ वोट देना नहीं, हमारे सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, इसके मतलब स्टेट ठीक करेगा। अगर कोई गरीब है तो टैक्स का जो रुपया मिलेगा उससे देखे, गरीबी दूर करने के लिए हमें वो जो है जो क्या क्या गवर्नमेंट काम करेगा वो ठीक करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन सिखाएगा। ठीक वैसे ही 100 दिन का काम राइट एनर्जी है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन ही अधिकार दिया है। हमारे हाथ में काम नहीं है, हमारे पास रोटी नहीं है, तो अपने पहला में अपने जगह में गांव में वो अपना काम करेगा और वहाँ से मिनिमम वेजेस उसे मिलेगा जिससे वो नहीं खा के नहीं मरेगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। मगर अफसोस आज के जो सरकार है वो सरकार हमारे संविधान को, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुआ संविधान जो हमारे लिए अहमियत रखता है, हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए अहमियत रखता है, उस संविधान को चेंज करने का बात कर रहे हम, ये बना दें हमारे इतिहास हम कैसे थे जो हमारे वाले हमारे पिताजी के नाम अब्दुल हकीम नहीं है, ये हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। क्योंकि मेरे वालिद के नाम अब्दुल हकीम है, इनके वालिद के नाम मरहूम कलीमुद्दीन शम्स है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसा ही हमारे इंडियन हिस्ट्री को हम नहीं चेंज कर सकते। आज देखिए यूपीएससी सीबीएसई बोर्ड में जहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन बाबा राव साहिबराव अम्बेडकर थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, तो अबुल कलाम आजाद के नाम हटा दो। क्यों हटाओगे भाई, पहले तो मुगल के नाम हटा दो। क्यों हटाएंगे हम, विक्टोरिया है विक्टोरिया बनाया है ब्रिटिश ने, बनाया है शाहजहां ने, ताजमहल बनाया, उसे तो आप चेंज नहीं कर रहे हैं। लाल किला शाहजहां बनाया है, उसमें तो आप तिरंगा उठाते हैं 15 अगस्त उठा के, और नाम शाहजहां का चेंज कर देंगे, औरंगजेब का चेंज, मुगल का नाम मुगल सराय चेंज कर देंगे। करते करते ऐसा भी हुआ पापा में आ गया जो आज सिलेबस से, यूपी के सिलेबस से मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम भी हटा दे रहा है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, हर हिंदुस्तानी के दिल में इसलिए बाबा अम्बेडकर से बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बनाया है जो हिंदुस्तान के हर आवाम को एक रखने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए मैंने शाहबाज से कहा था एक बार, उन्होंने निजाम भाई से कहा था जो एक यहाँ पर एक मूर्ति होना चाहिए, जाते आते नेक्स्ट जनरेशन कल हिस्ट्री चेंज करते, मगर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा, और हिंदुस्तान जब तक रहेगा तब तक बाबा साहेब अम्बेडकर रहेंगे, तब तक जवाहरलाल नेहरू रहेंगे,
तब तक मौलाना अबुल कलाम आजाद रहेंगे, तब तक फखरुद्दीन अली अहमद साहब रहेंगे, तब तक महात्मा गांधी रहेंगे। ये हमारे आज के जनरेशन के जो यूथ है उसको आज ये शपथ लेना है, आज ये शपथ लेना है, फैसला है जो हाँ तुम्हारे जारियाती नहीं चलेगा, रोटी नहीं दे सकते, खाना नहीं दे सकते, गैस के दाम से लेकर डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ा के आग लगा देते हो पूरा देश, और खाली रिलीजियस सेंटिमेंट, फिरका परस्ती, कम्युनलिज्म को बुला के लाकर डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश ने किया था वही काम आज ये सरकार कर रहा है। इसके खिलाफ हमें एक होकर लड़ना है और ये मूर्ति के सामने आज कहना है तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन, इसका अहमियत हमारे लिए बहुत है और इसके बेहुदापन हम नहीं सहेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हिंदुस्तान के लिए अगर जान देना है देंगे, मगर हिंदुस्तान रहेगा, हम हिंदुस्तानी। ये है जो बाबा साहेब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूट बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम रखेंगे और इंशाल्लाह ताला ये काला दिन चले जाएंगे, ऐसा एक सूरज आएगा जहाँ पर फिर से हम फख्र के साथ कहेंगे सारे जहाँ से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये हम सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, ये हमारा है, ये सिकुलरिज्म है जो बाबा साहेब अम्बेडकर बार बार कहने की कोशिश की। इसी के साथ आज के दिन आप सबको मुबारकबाद कहते हुए हम अपना तकरीर खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दादा से कहूँगा कि वो आस्ते आस्ते आए, अंदर पकड़ लीजिए, आप पकड़ लीजिए आस्ते आस्ते, भाई सामने से थोड़ा हट जाए, सामने से थोड़ा हट जाए, सामने से हट जाए भाई, यहाँ पर खड़े हैं, हट जाए हट जाए हट जाए हट जाए। आवाज़ भाई चलो आस्ता।